नमस्ते बालाजी हिंदी तारों में, मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कॉन्टैक्ट जैसे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो तो या फिर सेपरेशन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे अगर वो कोई एक्शन ले रहा है तो उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल की गाइडेंस आपकी रिश्ते के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आप जिनके साथ रिश्ते में हो और नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, लिब्रा आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, लव फीलिंग्स हैं उनके मन में। लेकिन कार्ड बता दूं, पहले एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। लेकिन आप लोगों का रिश्ता कुछ वजह से रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। हालांकि ये नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन का स्थिति देखने के लिए ही ये रीडिंग आप देख रहे हो कि कैसा जाएगा। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा लवेबल रिलेशन तो है ही, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी वजह हुई होगी जिसकी वजह से रिश्ता नो कांटेक्ट में गया है। लेकिन बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है। इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने जो भी रिश्ते में जो भी मेहनत किया था पहले, उसका जो रिटर्न मिलने का जब मतलब जो स्थिति है उसको ये फील कर रहा है कि अभी उनको वो स्थिति वो परिस्थिति मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया था रिश्ते में जो इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट मतलब लव, पैसे, वक्त, जो भी इन्होंने इस रिश्ते के लिए दिया था उसका रिटर्न आने का इंतज़ार ये बंदा या बंदी कर रहा है। अपनी सक्सेस का इंतज़ार कर रहा है, अपनी फ्रूटफुलनेस का इंतज़ार कर रहा है। और अभी ये पर्सन जो है स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिट से कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से परिस्थिति को समझ रहा है, इमोशनल अटैचमेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप पिता बनने वाले हो या फिर आपके पर्सन माँ बनने वाले हैं, ऐसी स्थिति में ये रिश्ता चल रहा है। लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से ये बंदा प्यार तो फील कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, लेकिन कुछ स्टकनेस भी आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है। पुराने परेशानी को ख़त्म करके एक नए सर्कल को ये जन्म देना चाहते हैं, नए परिस्थिति को जन्म देना चाहते हैं। जैसा जो चल रहा था वो अभी ना चले इसकी कोशिश ये कर रहे हैं और इसका इंतज़ार भी कर रहा है कि ये चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, स्टकनेस में ना रहे रिश्ता, रिश्ते में प्यार आए, इमोशन आए, विश फुलफिलमेंट, जो भी आप कहो मतलब अपना कर्मों का परिणाम, ये सब कुछ ये सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं लिब्रा।
रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पोर्शन चाहते क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। जैसा कि मैंने कहा नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है ये रेस्टलेस है, बहुत जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, या फिर ऐसा सोच रहा है कि आपके तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाए तो अच्छा है। जो चीज़ें खराब हो गया है रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ये इनडिसाइसिव भी हैं, खुद भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन कभी कभी उनको ये लगता है बहुत ज़्यादा उतावलेपन अच्छे नहीं है, थोड़ा सा अपना इमोशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, तब ये अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर रहा है, वरना ये चाहते हैं रिश्ते में एक्शन लेना। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ये बहुत जल्दबाजी में है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा भी चाहते हैं कि आप अपना इमोशन को जो कंट्रोल करके बैठे हुए हो, आपको भी इनसे प्यार है, आप भी इनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप अपना इमोशन को कंट्रोल ना करें और बहुत जल्दी एक्शन ले ताकि रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। और ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है, आपका मूड कैसा है, ऑनलाइन देख रहा है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में, कितना देर तक वो ऑनलाइन रहते हो, क्या करते हो, मतलब कितनी चीज़ों पर आपका ध्यान है, ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है इन दिनों। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा अगर ये कोई एक्शन लेता है तो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अर्कना के कार्ड है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, एक्शन लेने का इंतज़ार भी कर रहा है। कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम है, इनको ये पता है कि आप जो हो इनकी फैमिली के ब्रेड अर्नर हो, आप इनकी पूरी फैमिली को संभालते हो, हर किसी का ख्याल रखते हो, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस के कार्ड भी आए हैं, तो आपका जो लुक, जो पर्सनैलिटी, जो एक आउटलुक, ये सारा चीज़ इनको बहुत परेशान कर रहा है इन दिनों कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो, अपना ख्याल रख रहे हो, हालांकि नो कांटेक्ट चल रहा है। एक्शन लेने की बारी जब आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी जो भी हैं, या तो आपके घर के ब्रेड अर्नर है, या फिर आप का बॉस हो सकता है, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम कर सकते हो, या फिर आप दोनों का फिनेंस से रिलेटेड कोई काम है जो आप मिलके करते हो। एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, ख़ास करके अगर पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है कि पेमेंट्स नहीं मिल रहा था, या फिर एक साथ मिलके आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जिसका परिणाम सही नहीं निकला है, या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो इन सारी चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से, अपने तरीका अपना होगा, अपना सोच अपनी होगी, ख़ास करके स्लोली बट श्योरली इस तरीके से ये रिश्ते में एक्शन लेना चाहेंगे, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि पूरी तरीके से ये हर तरीके से स्टेबल है, ख़ास करके फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ये स्टेबल है, बात करने के लिए,
फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, ये अपना सम्मान, अपना जो ईगो, सब चीज़ को ये संभाल के साइड में रख के जब सोचेगा कि भाई मुझे बात करनी है तभी ये करेगा, ये उतावले हैं। लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो बहुत अच्छा है। ये पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ये दौड़ के आके एक्शन लेंगे तो ये थोड़ा इंतज़ार करेंगे आपके तरफ देख के, जब आप एक्शन लोगे तब ये उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना थोड़ा वक्त लग सकता है इनको एक्शन लेने में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लिब्रा, ये रीडिंग आप 23 से लेके 29 तारीख तक देख सकते हो। पीसफुल रेजोल्यूशन, एक बहुत शांतिपूर्ण अच्छा समाधान निकलेगा, रिश्ते में अच्छे परिणाम आएंगे, जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होने जा रहा है, रिश्ता सही होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।